तो हे गाइस, क्रिस्टो हियर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू कॉलेज के किस्से। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फर्ग्यूसन कॉलेज, जो कि पुणे में है। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स एंड एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जब एक स्टूडेंट एडमिशन लेता है, सो व्हाट ऑल थिंग्स वो एक कॉलेज से एक्सपेक्ट करता है, उस बेसिस पे ये पूरा वीडियो बनाया है। एंड ए टू जेड ऑलमोस्ट सारे चीजें कवर की है, हिस्ट्री, एडमिशन प्रोसेस एंड द कोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज, उनके फीस स्ट्रक्चर and what all are the hostel facilities are there and student activities like NSS and NCC and jo bhi cultural fests and jo competitions hote hain college ke and the most important thing placements. So about everything aaj hum dekhne wale hain. So with that being said, let's get started. तो सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। हिस्ट्री के बारे में, फर्ग्यूसन कॉलेज के बारे में देखा जाए तो इट वॉज फाउंडेड इन 1885 एंड इट वॉज नेम्ड आफ्टर सर जेम्स फर्ग्यूसन। तो फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम इसलिए फर्ग्यूसन पड़ा क्योंकि सो एट दैट टाइम तो जो बॉम्बे के गवर्नर थे वो सर जेम्स फर्ग्यूसन थे। सो इसके जो फाउंडर थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। सो ये थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री है फर्ग्यूसन कॉलेज के बारे में। सो अबाउट कॉलेज देखेंगे तो ऑटोनॉमस कॉलेज है एंड SPPU एफिलिएटेड है। सो मूविंग ऑन टू रैंकिंग, NAC इसका ए ग्रेड है एंड 3.62 CGPA है ऑन 4-पॉइंट स्केल। सो जब एक स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेता है तो ये सारी चीजें ही नोटिसेस। NIRF ranking देखेंगे तो 42 in 2020 था and 35 in 2017 and 19 in 2018. जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता NIRF ranking मतलब क्या होता है, NIRF ranking मतलब National Institutional Research Framework। तो basically on what basis एक कॉलेज को हम रैंक करते हैं, तो जो भी तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एंड जो भी टीचर्स एंड जो भी फैकल्टीज एंड प्रोफेसर होते हैं एंड तुम्हारे प्लेसमेंट सेल, कैंपस कैसा है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सो ऑन ऑल दीज बेसिस तुम्हारी NIRF रैंकिंग कैलकुलेट होती है। दिस वॉज अबाउट रैंकिंग। एंड एडमिशन प्रोसेस के बारे में देखेंगे तो एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टोटली ऑनलाइन बेस्ड है। अगर हम यूजी कोर्सेज के बारे में देखेंगे तो जो एडमिशन होता है दैट इज बेस्ड ऑन योर मेरिट लिस्ट, जो भी तुम्हारे 12th के मार्क्स आते हैं अकॉर्डिंग टू दैट तुम्हें यूजी कोर्सेज मिलते हैं। सिलेक्शन टू पीजी कोर्सेज, जो तुम्हारे पीजी कोर्सेज होते हैं उसमें तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होता है, सो इट इज बेस्ड ऑन एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड जो भी SPPU स्टूडेंट होते हैं एंड तुम्हारा मेरिट निकलता है। सो जो भी SPPU स्टूडेंट होते हैं उनकी 50-50 रेशियो रहता है, जो भी तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम का 50% कंसिडर किया जाता है एंड जो भी तुम्हारा मेरिट का 50% कंसिडर किया जाता है। अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होते हैं, मतलब जो SPPU के अलावा अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम रहता है। सो मूविंग ऑन टू कोर्सेज, व्हाट ऑल कोर्सेज आर प्रोवाइडेड बाय फर्ग्यूसन कॉलेज। तो यूजी के लिए बीए, बीएससी एंड वोकेशनल कोर्सेज है एंड पीजी के लिए एमएससी एंड एमए है एंड पीएचडी एंड देर आर सम सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑल्सो जो कि फर्ग्यूसन कॉलेज में है। बीए में दीज ऑल कोर्सेज आर देयर, तो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट यू कैन टेक एडमिशन इन टू द कोर्सेज। तो जर्मन, फ्रेंच, फिलोसफी, मराठी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, सो दीज ऑल आर कोर्सेज जो कि बीए में एंड बीएससी में एनिमेशन, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फोटोग्राफी, फिजिक्स, जुअलॉजी, तो फिर जो भी बीएससी करना चाहते हैं वो यू कैन ऑल डू इन दीज कोर्सेज। वोकेशनल में देखेंगे तो मीडिया एंड कम्युनिकेशन एंड डिजिटल आर्ट एनिमेशन है। एमएससी में देखेंगे, सो मूविंग ऑन टू द एमएससी, बायोकेमिस्ट्री, तुम्हारा बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, सो दीज ऑल आर थिंग्स जो भी एमएससी में है। सो आई विल प्रोवाइड दिस पीडीएफ इन द डिस्क्रिप्शन, तो तुम्हें डिटेल में सारा मिल जाएगा, सो यू कैन गो एंड रेफर इट। तो एमए के लिए इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मराठी एंड साइकोलॉजी एंड पीएचडी इफ यू वॉन्ट टू परस्यू पीएचडी आफ्टर तुम एमएससी इंग्लिश, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंस एंड फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक साइंस में तुम कर सकते हैं। एंड सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि फर्ग्यूसन कॉलेज इज प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेशन कोर्सेज ऑल्सो, फोटोग्राफी, काउंसलिंग एंड वुमेन डेवलपमेंट, अमेरिकन स्टडीज एंड योगा मेडिटेशन, सो दीज ऑल आर द सर्टिफिकेशन कोर्सेज। तो अकॉर्डिंग टू योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें तुम्हें अपना करियर बनाना है, तो अकॉर्डिंग टू यू यू कैन चूज द कोर्सेज। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कोर्सेज। फीस स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो जो भी कोर्सेज है बी ए, एम ए, एम एस सी रिस्पेक्टिवली टोटल फीस मैंने लिखा है, एग्जैक्ट फीस स्ट्रक्चर नहीं है, 2019 का है शायद ये, आई एम नॉट श्योर अबाउट द फीस स्ट्रक्चर। तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो एंड चेक आउट इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ फर्ग्यूसन कॉलेज, आई विल प्रोवाइड द लिंक सो यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। आई विल गिव यू अ रफ फीस स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्सेज, तो बी ए के लिए 22,000 टू 25,000 एंड एम ए के लिए आई हैव रिटन 14K टू 65K एंड बी एस सी के लिए 26 टू 30 तक होगा एंड एम एस सी के लिए 88,000 टू 1.64 लाख तक हो सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फीस स्ट्रक्चर फॉर ऑल द कोर्सेज
एंड आई गेस तुम्हें एक रफ आइडिया मिल गया होगा कोर्सेज के बारे में। मूविंग ऑन टू द हॉस्टल, तो हॉस्टल तो मतलब सभी जो भी हॉस्टलर्स हैं उन सब के लिए है ये, जो भी हॉस्टल में स्टे करने वाले हैं। कॉलेजेस प्रोवाइड हॉस्टल फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, दोनों के लिए हॉस्टल है। एंड हॉस्टल बिल्डिंग जो देखोगे तुम्हारे कैंपस के अंदर ही है। तो किसी किसी कॉलेजेस में होता है कि जो तुम्हारे हॉस्टल्स होते हैं वो कैंपस के बाहर होते हैं, तो यू हैव टू ट्रैवल। ऐसा इस कॉलेज में नहीं है, तो तुम्हारे कैंपस के अंदर ही है। एंड कैंपस देखें तो 65 एकर्स का है, टोटल 7 हॉस्टल ब्लॉक्स है एंड जिसमें 4 बॉयज के एंड 3 गर्ल्स के हैं। सो बेसिक फैसिलिटीज जो जो हॉस्टल में तुम्हारे प्रोवाइड हो रहे हैं, जो भी तुम्हारा मेस है, 4 मेस है, उसमें 2 बॉयज के लिए एंड 2 गर्ल्स के लिए, एंड मेडिकल ऑफिसर्स है एंड हॉस्पिटल फैसिलिटीज एंड सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम एट गर्ल्स हॉस्टल, तो बॉयज के लिए नहीं है, तुम्हें ठंडे पानी से नहाना होगा शायद। आई डोंट नो, मतलब मेरे को पता नहीं है, मैं बस अंदाजा लगा रहा हूँ क्योंकि हमारे कॉलेज में तो हमारा कोई गीजर वीजर नहीं है, ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। सो अगर तुम्हें अलाउ करते हैं तो तुम ले जा सकते हो तुम्हारा खुद का हीटर, हमारे कॉलेज में तो मतलब अलाउड नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सब, पर फिर भी छुपा के लेके आते हैं। तो दिस वाज जो मैं कहना चाहता था मेरे कॉलेज के बारे में। एंड फिर जो भी तुम्हारा गेस्ट हाउस है, टी वेंडिंग मशीन गर्ल्स हॉस्टल के लिए, बैडमिंटन हॉल गर्ल्स हॉस्टल के लिए, एंड जिम है तुम्हारा, टेलीविजन फॉर ईच फ्लोर। टेलीविजन की शायद मेरे को लगता है जरूरत नहीं क्योंकि अभी देखते ही क्या, हम सब फोन, हमारे पास इंटरनेट, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम जो भी है तुम उसी में देख लोगे, तो ठीक है। टेलीविजन दिस इज ऑल्सो अ फैसिलिटी जो इंक्लूड कर रहे हैं, एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एंड लाइब्रेरी एंड 24/7 CCTV कैमराज, तो बच के रहो, कैमरा की नजरों में कुछ पकड़े ना जाओ। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द हॉस्टल फैसिलिटीज, जो भी तुम्हारे बेसिक फैसिलिटीज होते हैं हॉस्टल में। सो मूविंग ऑन टू द स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप देखेंगे तो फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड स्टूडेंट, तो देर आर सो मेनी स्कॉलरशिप्स, ये मैंने कुछ ही स्कॉलरशिप लिस्ट आउट किए हैं। तो इफ यू वॉन्ट टू सी ऑल अदर स्कॉलरशिप यू कैन गो एंड चेक आउट इन द ऑफिशियल वेबसाइट। तो नेशनल स्कॉलरशिप, एकलव्य स्कॉलरशिप, तुम्हारा गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, संस्कृत स्कॉलरशिप एंड फिर कम्युनिटी स्कॉलरशिप, SC ST OBC BC जो भी कम्युनिटी वाइज स्कॉलरशिप होता है, एंड साइंस टैलेंट स्कॉलरशिप, एंड जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी अलग से स्कॉलरशिप। So these all are the scholarships. So if you need any financial help, so there are scholarships for the students. So student activities के बारे में देखेंगे तो NCC and NSS है। If you are मतलब तुम JD में थे तुम्हारे schools में, so you can apply for SD या फिर SW। तो फिर naval wing है NCC में, Ferguson College में। So काफी सारे notable alumni हैं जो भी NCC से pass out और Ferguson College से pass out है, and INA, IMA, OTA यहाँ सब गए हैं। And so I have checked out, so I'll give that also in the description. And जिन बच्चों को आगे जाके डिफेंस में कुछ करना है, so after taking part in NCC, you can get into those. And तुम्हें C certificate basically मिलेगा, so you'll get direct chance to appear for SSP. So according to that, NCC and NSS, जो भी तुम्हारे social services होते हैं वो सब NSS में होते हैं। And departmental festivals देखेंगे तो different departments के अलग अलग festivals होते हैं। तो what I feel is these departmental festivals होते हैं, they play an important role. And departmental जो भी festivals होते हैं तो ये है, और elocution, debate, quiz competition जो कि रहता है, and theater competition and music and dance. So this was all about the student activities, जो भी cultural fests होते हैं and all other things. So the last thing and the most important thing, I guess, placement. तो जो भी कॉलेज स्टूडेंट होता है, सो बेसिकली देखता है कि उसका प्लेसमेंट सेल कितना तगड़ा है, एक अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाएगा कि आफ्टर ऑल, आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन। तो एक बात बता दूं, इफ यू आर कमिंग फॉर BSc, तो फिर बेसिकली इस कॉलेज में स्टूडेंट आते हैं टू गो फॉर हायर स्टडीज। सो दीज ऑल आर द रिव्यूज ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेसमेंट्स के बारे में, जैसे कि तुम पढ़ सकते हो, एंड वॉट ऑल आर द कंपनीज कम। सो TCS आती है, Cognizant आती है, Capgemini आती है। So after fourth semester, campus placements के लिए आ जाते हैं। The college does not reveal much detail regarding the placements. The placement scenario is not much great in general, and it depends on the course and the department. So एक बात बता दूं, computer science और जो भी IT field रहता है, जो BSc computer science लेते, तो maximum तुम्हारा chance रहता है कि you will be getting placed MSc करने के बाद, तुम्हारे ज्यादा chances है कि you will be getting a higher package. तो फिर this is one point that I would like to add. और फिर देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट हैज गुड प्लेसमेंट एंड टॉप कंपनीज एंड इन्फोसिस, कैपजेमिनी एंड ऑल अदर कंपनीज दैट विजिट्स। एंड दिस इज अनदर रिव्यू जो कि 2014 पास आउट है MS कंप्यूटर साइंस। तो यस, यू कैन गेट अ डिसेंट जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग BCS फ्रॉम Ferguson कॉलेज, बट नॉट फॉर ऑल। प्लेसमेंट इज कॉम्पिटेटिव, ओनली 10% स्टूडेंट। तो उस जमाने में, मतलब 2014 में, उतनी ज्यादा नहीं थी, अभी काफी कंपनीज आने लगी हैं। सो BCS एंड MCA आफ्टर यू विल गेट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, यू डेफिनेटली गेट अ गुड जॉब। सो टेक दीज 5 years सीरियसली। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्लेसमेंट। तो जैसा कि तुमने देखा,
बीएससी कंप्यूटर साइंस या एमएससी कंप्यूटर साइंस करने के बाद द चांसेस ऑफ गेटिंग प्लेस्ड ज्यादा हो जाते हैं. इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट डिपार्टमेंट एंड व्हाट कोर्स यू हैव टेकन. तो इफ यू वांट टू, अगर तुम्हें टीचिंग लाइन में जाना है तो डेफिनेटली यू कैन टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज. काफी अच्छा कॉलेज है एंड फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो हैव टेकन एडमिशन इन दिस कॉलेज. तो इफ यू कंपेयर टू अदर कॉलेजेस तो ये काफी अच्छा है एंड काफी इसका बोलबाला है, ऐसे बोलेंगे. फर्ग्यूसन कॉलेज तो काफी अच्छा है. एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एंड सिविल सर्विसेज जो भी तुम्हारे एग्जाम्स हैं, तो इफ यू जस्ट नीड अ डिग्री तो यू कैन डेफिनेटली कम एंड यू विल गेट अ गुड एक्सपोजर बोलूंगा. And if I missed any points, so I'm sorry for that. And do comment it below, give your suggestions. Kuch improve karna hoga, to I'll improve it in my next video. That's all for this video. Thank you for watching it. This is Christopher signing off. Take care. Bye-bye.